विज़िट करवा रहे हैं आपको ऑलिव फेस्टिवल का, और इस वक्त अहमद ख़ान बुलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त ऑलिव की कल्टीवेशन की है, ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, और अवार्ड भी मिला है इन्हें यहाँ पर ऑलिव फेस्टिवल में अच्छे फार्मर होने का। और इनसे हम जानेंगे कि कब से इन्होंने अपना स्टार्ट लिया ऑलिव में। गुलजार साहब, ये बताइएगा कि कब आपने स्टार्ट लिया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑलिव में? सर, ओलिव मैंने 2010 में शुरू में कोई 500 पौधे लगाए बर्ग ओलिव फार्म के नाम से। बर्ग पोश्त डिस्ट्रिक्ट मूसा खेल बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो उन दरख्तों को फिर बाद में मैं बढ़ाता गया। अब मेरे पास कोई 2000 दरख्त हैं और 1200 दरख्त मेरे 1200 पौधे फसल दे रहे हैं, और उससे मैं कोई इस साल उम्मीद है 2500 से 3000 लीटर ऑयल उससे मैं निकालूंगा 1200 दरख्तों से। मेरा ऑयल परसेंटेज ज़बरदस्त है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में किसी के पास शायद नहीं है। कल उसी पे मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे पोठोहार रीजन में ऑलिव हो रहा है और जो आप बलूचिस्तान में कल्टीवेट कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस क्या है उसमें? हमारे पास जो ओलिव का जितने भी दाने हैं, ये आपके सामने हैं, ये आपके सामने, ये गमले का है, ये मैंने ईरान से वैरायटी लाया है, ये है, इसकी आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये कितना सेहतमंद है और कितने बड़े इनके दाने हैं। और इससे आयल यहाँ पे जो चकवाल में निकल रहा है 4% से शुरू होता है, 8, 10, 11, 12, 13% 12% तक औसत 8% ही है चकवाल में जो आयल निकलता है। और जो मेरा है बलूचिस्तान का मुसाखेल का, हमारा 19% से शुरू होता है और जा करके 30% पे ही 30-32% पे ही ख़त्म होता है। तो कल मैंने चकवाल से 10/11/2021 को हमने जो निकाला है वो 29.41% था 100 kg में से मैंने उसका आयल निकाला है। मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा आयल आपके सामने है। मेरे ख्याल में ये आयल कहीं भी नहीं मिलेगा। जितना भी सेहतमंद पौधा होगा, सेहतमंद उसका फ्रूट होगा, उसका आयल भी इतना ही, मुझे उम्मीद है उतना ही सेहतमंद है। तो अच्छा, ये बताइएगा कि ओलिव से पहले आप क्या काश्त करते थे? ओलिव से पहले मैं लाइफ स्टॉक पे काम करता था। ठीक है, लाइफ स्टॉक पे काम करता था, और लाइफ स्टॉक में ड्राउट जब आया तो ड्राउट में अच्छा खासा नुकसान हुआ। लाइफ स्टॉक को छोड़ के मैं यहाँ पे आया। एक है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा का, वहाँ पे एक मैगज़ीन छपता है हर साल इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जनेवा में, उसमें पूरा एक सफ़ा मेरे नाम पे आया है कि ओलिव पे ये बंदा काम कर रहा है। ये ओलिव एक तो इकोनॉमिकली ये बहुत ज़बरदस्त है, और फिर इन्वायरमेंट के लिए इस शख्स ने बहुत बड़ा काम किया, और मुझे उन लोगों ने बाकायदा मुझे नवाजा। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अकौम मुतदा वालों ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे श्रीना होटल बुला करके हमें अवार्ड भी दिया, और मुझे माशाल्लाह बलूचिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अब ओलिव के जो काम से इस पर मुतमिन है आप? मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, मैं समझता हूँ। मैंने 15 एकड़ पर काश्त किए कोई 2000 पौधे, तो 1200 फसल दे रहे हैं, 1200 से 40-45 लाख या 50 लाख इतना ही मुझे अगर आमदनी होता है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेस्ट है। 15 एकड़ पे एक बंजर ज़मीन को आबाद करके अगर आदमी इतना पैसा कमाता है, मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान में किसी और चीज़ में इतना शायद आमदनी ना हो जितना इसमें है, और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एरिया में, कोह सुलेमान के जो रीजन है, कोह सुलेमान का, मेरा भी कोह सुलेमान है, इस साइड पे पंजाब है, उस साइड पे बलूचिस्तान है। जो कोह सुलेमान का, बलूचिस्तान के किसानों को बताना चाहेंगे कि आप सालाना जो है ऑलिव से कितनी इनकम कर लेते हैं? मैं बिल्कुल, मेरा, मैं बलूचिस्तान के लोगों को बताना भी चाहता हूँ, लोगों को पता भी है कि मैंने पिछले साल कोई 2000 लीटर आयल निकाला, और इस साल मैं 2500 लीटर से ऊपर इंशाल्लाह मेरा निकलेगा। वर्थ कितनी बनेगी? तकरीबन 50 लाख के करीब होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है 50 लाख। अच्छा, सिर्फ ऑयल बना रहे हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोग इसके पत्तों से जो है वो कहवा भी बना रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट्स की तरफ भी गए? नहीं जी, मैं नहीं गया। हमारे पास असल में वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका ऑयल परसेंटेज बहुत कम है, 2%, 3%, 4% निकलते हैं, तो वो उसका अचार या मुरब्बा या कोई और चीज़ बनाए। मेरे लिए मेरा ऑयल ज़बरदस्त है, और ऑयल मेरा सबसे अच्छा है, और मेरा आयल है भी, निकलता भी ज़्यादा है, तो 29-30% है, तो मुझे इसमें, उससे ज़्यादा मुझे इसमें फ़ायदा है,
मैं उस पर कभी भी नहीं गया और ना कभी जाने का कोई इरादा भी नहीं है ऐसे मेरे लिए। बुज़ार साहब, हम आपकी काविशों को सलाम पेश करते हैं और हमारे बलोचिस्तान के भाई होने के नाते जो है हम आपसे दिली मोहब्बत का भी इजहार करते हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे इसमें और आप मज़ीद जो किसान हैं हमारे बलोचिस्तान के उनके लिए मशाले राह भी बने, क्योंकि बलोचिस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं रोज़गार के हवाले से, तो आप इस हवाले से मशाले राह बन सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए। ये स्टिक के हवाले से बताइए। ये ओलिव की लकड़ी से मैंने बनाया और उस पर काम किया है अच्छा खासा, माशाल्लाह। आप देख लें ये कोई अच्छा एक हमने बनाया जी, ये पेंटिंग की गई है स्टिक पे और ये हाथ से ये कोई मशीन से नहीं, हाथ से हमने किया जी। तो ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं स्टिक? ये बुज़ुर्ग वगैरह के लिए, वैसे भी खूबसूरत है, खूबसूरत लगती है जी।